Hello students, welcome to the channel Unacademy Class 6. मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके सामने है, दैट इज आवर कंट्री इंडिया. आज हम हमारी कंट्री के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं, ठीक है? तो ज्यादा लेट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले हमारा फर्स्ट रिचुअल, लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी जानते हैं. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम कंचन है एंड आई बिलोंग टू कोटा, द एजुकेशन सिटी ऑफ राजस्थान. आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई एम अ लॉयर बाय डिग्री, बट यस बाय profession and by my interest I am a teacher. So here I am as an educator for your subject social science. ठीक है, I have been into teaching field since past 3+4 years approximately and I have mentored more than 2500 students. And else if you want to know about me you can ask in the comment section. ठीक है, चलो अभी हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हमारा दूसरा रिचुअल. दूसरा रिचुअल क्या कहता है कि इस चैप्टर को रीड करने के बाद हम कौन कौन सी चीजों के बारे में जान जाएंगे. ठीक है, तो पहली चीज है हमें इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पता होगा, हमें उसके मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में पता होगा, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल वेजिटेशन एट वेरियस प्लेसेस इन द कंट्री एंड ऑल्सो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, मीन्स ज्योग्राफिकल एरिया कितना कवर है ऑन अर्थ, उसके बारे में पता होगा. और इसी के साथ हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं हमें ये भी पता होगा. ठीक है, तो चलो अब फटाफट से देखते हैं कि इंडिया की ज्योग्राफी क्या कहती है. ठीक है, अब देखो आपके सामने इंडिया का मैप है, राइट? और अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास, रुको मैं आपको एक चीज दिखा, दिस इज देयर, लेट मी डू दिस. ओके, कलर इज देयर. ओके, नाउ यू कैन सी कि ये वाली जो अपनी लाइंस है ये दिख रही है, ये हमारी क्या हो गई, लैटिट्यूड्स हो गई, है ना? वो लाइंस जो हमारी इक्वेटर के पैरेलल होती हैं. और इसी में ही जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट लाइन आती है वो कौन सी आती है, वो आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपनी कहाँ रहती है, इट इज देयर अप्रॉक्सीमेटली एट 23 degrees 30 minutes. ठीक है, और इसी के बाद आप देखोगे कि जो हमारी ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं, मतलब जो स्टैंडिंग लाइन्स हैं, ये वाली, कैन यू सी देम, यस, इनको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, अब अगर हमारी जो पूरी अर्थ होती है वो इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड रहती है. ठीक है, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अर्थ पर हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है. तो जब आप इसको अपन ना नीचे से देखते हैं, ठीक है, नीचे से मतलब इक्वेटर साइड से. ठीक है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर अगर आप देखोगे तो जो हमारा पोजीशन है इंडिया का वो क्या है, दिस इज ये रहा, ये कितना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपनी कहाँ थी, 23 degrees 30 minutes नॉर्थ में थी. ठीक है, अब जो लैटिट्यूड्स में नीचे से हमने देखा तो वो क्या है, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ. ठीक है, और इसी को जब हम ऊपर चलते हैं तो हमारे पास ये वाली कौन सी पोजीशन आ जाती है, ये है हमारे पास 37 degrees 6 minutes नॉर्थ. ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो हो गया अपना, ये क्या हो गया, दिस होल एक्सटेंड लाइक नॉर्थ टू साउथ, साउथ जो है ये अपना, ये कितना है, दिस इज लाइक 3 to 1.4 kilometers. ये कितना है अपना, नॉर्थ टू साउथ अपना कितना है, 3 to 1.4 kilometers. ठीक है, इसी के साथ अगर आप इसको अब अपन यहाँ देखते हैं कि ईस्ट और वेस्ट में हमारी कंट्री का क्या एक्सटेंड है, तो आप देख सकते हो जब हम ईस्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, दिस इज लाइक 97 degrees 25 minutes. ठीक है, कितना है, 97 degrees 25 minutes. और यही जब हम वेस्ट साइड पे जाते हैं तो वेस्ट साइड में हमारा कितना एरिया आ जाता है, ये है अपना एरिया नहीं, हमारा पॉइंट कितना है, 68 degrees 7 minutes. ठीक है, और ये जो
कंप्लीट अपना एरिया है, लाइक दिस होल एक्सटेंट, दिस इज लाइक 2933 किलोमीटर्स, ठीक है? तो आपको पूरा समझ में आ गया हमारी जो कंट्री है नॉर्थ टू साउथ में कितनी बड़ी है, लाइक इट्स 3 to 1/4 किलोमीटर्स. उसके बाद जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो इट इज लाइक 2933 किलोमीटर्स. और आपको पता है जो टोटल एरिया है वो अपना कितना है, टोटल एरिया अपना है 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स. बाप रे. और जो हमारे पास लैंड फ्रंटियर्स अपने कौन से हैं, वेयर इज द पॉइंटर, कैन यू सी वेयर इज द पॉइंटर, यस हेयर इज द पॉइंटर, आई गॉट इट हियर. एंड इट्स लाइक ये जो अपना लैंड का जो फ्रंटियर्स या मतलब जो बॉर्डर लाइन्स जो ये अपनी है, इसका कितना हो गया अपना एरिया, दिस इज 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है? और इसी के साथ वेयर इज द पॉइंट है लीरा, हाँ. अब जो हमारा ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से जो अपनी कोस्ट लाइन है इसका क्या है, इसका है अपना जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस टैब थिंग. ओके फाइन. सो यस, दिस इज देयर कोस्ट लाइन, दिस इज 7,516.6 किलोमीटर्स, ठीक है? तो दिस इज द एंटायर एरिया. अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो वी हैव दिस डॉटेड लाइन ओवर हियर, है ना? यहाँ पे ये अपने पास डॉटेड लाइन है और देखो इसका जो नंबर या इसका जो एड्रेस दे रखा है वो क्या दे रखा है, 82 degrees 30 ईस्ट मिनट्स, ठीक है? इसका क्या मतलब, 82 degrees 30 minutes ईस्ट, सॉरी, है ना? इसका क्या मतलब, जो इसकी पोजीशन है ये कंसीडर किया जाता है अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इसको क्या कंसीडर किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? मतलब ये वाला जो यहाँ पर जितना टाइम हो रखा होता है इसी के बेसिस पर जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम आगे पीछे के टाइमिंग्स को डिसाइड करते हैं, ठीक है? अगर आप देखो जो यहाँ पर अपना अरुणाचल प्रदेश आएगा, ये अपना सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, और इस तरफ देखो तो ये जो अपना है गुजरात का पॉइंट है, राइट? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 hours का आता है. तो कहने का मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रही होगी तो इसका मतलब गुजरात में कितनी बज रही होगी, 2 hours के डिफरेंस से अप्रॉक्सीमेटली 10, ठीक है? क्योंकि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो एक एवरेज टाइम लिया गया है डिफरेंस का वो दे रखा है 4 minutes का, ठीक है? सो दिस इज द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया एक्सटेंड ऑन द अर्थ, ठीक है? अर्थ पे हमारी इंडिया कहाँ लोकेटेड है अब समझ में आ गया, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 8 degrees 4 minutes नॉर्थ से लेकर के ऊपर तक जाएगी वो कहाँ तक, 37 degrees 6 minutes नॉर्थ तक, ठीक है? और ईस्ट वेस्ट में कहाँ पे है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न में 68 degrees 7 minutes ईस्ट से लेकर के 97 degrees 25 minutes ईस्ट, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो ईस्ट ईस्ट ही लिखा हुआ है और नॉर्थ ही लिखा हुआ है. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल ओवर अर्थ में मींस कंप्लीट मतलब पूरे एरिया के अर्थ में हमारी जो कंट्री है वो ईस्टर्न साइड पे ही है, ठीक है? तभी तो वेस्टर्न कंट्रीज हमसे अलग हो जाती हैं. ओके. और इसी के साथ मैं अगर आपको एक ट्रिक बताऊं कि अगर आपको ईस्ट वेस्ट को कैसे समझ सकते हो आप, तो आप ये देखो, जैसे अगर हम खड़े हैं तो जो हमारा नीचे जहाँ पे हमारे फुट एरिया है दैट इज साउथ, हमारा जहाँ हेड है वहाँ पे नॉर्थ, ठीक है? उसके बाद जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड मतलब जो अपना अपने हाथ का वाइट वाला एरिया, वाइट वाला एरिया हमेशा राइट साइड होगा मतलब ईस्टर्न होगा, ठीक है? और जो ब्लैक एरिया होगा वो वेस्ट होगा, ठीक है? तो इससे आपको हमेशा डायरेक्शन को समझने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है? चलो इसी के साथ अब अपन आगे चलते हैं. ओके, आई नीड टू सिलेक्ट फ्रॉम हेयर द एरो बटन.
ओके हियर द एरो. ओके मूविंग फर्दर्स, अब हम अपन देखते हैं कि अपनी इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं. तो नेबर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर अपन मैप में देखें, फिर से अपन यहाँ से पॉइंटर लेते हैं. इन कलर रेड. ओके फाइन, ठीक है. तो सबसे पहले अपने पास बॉर्डर में कौन है, अपने पास है पाकिस्तान. फिर ऊपर से थोड़ा सा अपन देखेंगे तो अपने पास है चाइना, फिर हमारे पास है नेपाल, फिर हमारे पास है भूटान, फिर अपने पास है बांग्लादेश, हेयर वी हैव म्यांमार, ठीक है. और अपना क्या जो कोस्टल एरिया की तरफ से भी जो अपने पास कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं, वेयर इज द पॉइंट. ओके जो नीचे आप देखोगे ईरान, श्रीलंका, ठीक है. और यहीं पे अपने पास मालदीव्स और इंडोनेशिया भी है नीचे की साइड में, अभी वो मैप में नहीं आया, ठीक है. तो एक बार अपन रीड करते हैं कौन कौन सी हैं. चाइना हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, फिर अपने पास बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया हमें वाटर बॉडीज की तरफ से नेबर्स हैं हमारे, ठीक है. तो दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज दैट वी हैव. ओके और इसी के साथ जो अपना श्रीलंका है, श्रीलंका के जो के बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पानी का एरिया आता है वो किससे डिवाइड किया होता है, पाक स्ट्रेट, उसे क्या बोलते हैं, पाक स्ट्रेट, ठीक है. ओके मूविंग फर्दर, अब इसी के साथ जो अपने वेरियस बॉर्डर्स हैं, लाइक जैसे देखो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जो पंजाब की तरफ से मिलता है उसको क्या बोलते हैं, वाघा बॉर्डर, आपने सुना भी होगा, इट्स वेरी फेमस, ठीक है. उसके बाद इंडिया और म्यांमार नीचे की साइड में जो था उसका बॉर्डर क्या कहलाता है, मौर्य मणिपुर, मणिपुर साइड से रहता है, ठीक है. फिर इंडिया और चाइना का जो है सिक्किम साइड से, वो क्या है, नथुला पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंडिया और चाइना का बॉर्डर हो गया. फिर जो है अपना इंडिया और पाकिस्तान का राजस्थान की तरफ से जो है वो क्या है, लोंगेवाला, ठीक है. फिर उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश का जो है वो क्या है, डॉकी तांबा मिल मेघालय, मेघालय की तरफ से इसका पूरा बॉर्डर हो जाएगा. फिर इंडिया और पाकिस्तान का एक और कंट्री कौन सा बॉर्डर बनाती है, गुजरात सिटी, सॉरी से कौन सा स्टेट बनाता है, गुजरात रन ऑफ कच्छ, ठीक है. उसके बाद इंडिया और भूटान में वेस्ट बंगाल की तरफ से अपन को बॉर्डर मिलता है किस फॉर्म में, जयगांव, ठीक है. फिर उसके बाद इंडिया और चाइना का एक और है लद्दाख में जो कि क्या है, पंगोंग लेक, ठीक है. फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की तरफ से हमें इंडिया और नेपाल का बॉर्डर मिलता है जो कि क्या है, सुनौली बॉर्डर, ठीक है. आप ना बाय रोड भी जा सकते हो वहाँ पे. फिर उसके बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है तमिलनाडु की तरफ से वो क्या है, धनुषकोडी, ठीक है. तो ये सारे अपने क्या हो गए, बॉर्डर्स हो गए. बाप रे, दे हैव सच ए डिफिकल्ट नेम नो. ओके चलो मूविंग फर्दर, अब अपन एक बार और चीजें देखते हैं. अपन ने एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जो अपनी कंट्री है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 8 degrees 4 minutes नॉर्थ से लेकर के 37 degrees 6 minutes नॉर्थ तक, और इधर कैसे 68 degrees 7 minutes ईस्ट से लेकर के 97 degrees 25 minutes ईस्ट तक जाती है, ठीक है. और हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि क्या है, 23 degrees 30 minutes ईस्ट में ही आता है. वो भी कहाँ पे है, वो भी अपनी कंट्री को क्रॉस करता है गुजरात से लेकर के, ठीक है. उसके बाद जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपन कौन सी लॉन्गिट्यूड पे लेते हैं, अपन लेते हैं 82 degrees 30 minutes ईस्ट पे, ठीक है. और दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना डिफरेंस आता है, 4 minutes का आता है, ठीक है. अपने पास 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है. कौन कौन सी है, नेपाल हो गया, अपने पास चाइना हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है. और इसके बाद जो पानी की तरफ से अपने नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है. श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो पानी का जो एक डिफरेंस आता है या जो डिस्टेंस आता है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है. सो दीज वर द थिंग. इसके बाद हमने जो
वेरियस कंट्रीज थी जिससे कि हमारी कंट्री को बॉर्डर मिल रहा था, उनके नाम हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, देवर वेरियस इन नंबर्स, लाइक देवर अप्रोक्सीमेटली 10. सो इफ यू वॉन्टेड लाइक यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर. ठीक है, अभी मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ. ओके, मूविंग फर्दर. अब हमने कंट्री, हमारी जो कंट्री इंडिया है उसका पूरा स्ट्रक्चर देख लिया अर्थ के ऊपर, और उसके आसपास कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उसके नेबर्स कौन कौन से हैं, उसकी पोजीशन क्या है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में. अब हम क्या देखने वाले हैं कि कंट्री के अंदर कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स हैं मेजर. ठीक है, तो अब आप जैसे सामने देख सकते हो, मैं फिर से यहाँ पे पॉइंटर ले लेती हूँ. ठीक है, और इसी के साथ अपन एक बार इंक लेते हैं. इट्स दिस टाइम. ठीक है, ओके. तो जो अब अपना पहला है, जैसे ये देखो, ऊपर सबसे पहले अपने पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है. तो यहाँ की जो ये पूरी चल रही है बेल्ट, ये कौन सी है, ये अपने पूरे हिमालयन रेंज है. कौन से है, हिमालयन रेंज. यहाँ पे आप देखोगे कि जो ऊपर साइड में, यहाँ पे एक वेस्टर्न हिमालयस और एक ईस्टर्न हिमालयस करके हो जाएगा. ठीक है, इसके नीचे अपन चलते हैं तो अपने पास आते हैं नदर्न प्लेन्स, है ना. अपने पास क्या आ गए, नदर्न प्लेन्स. उसके बाद जब अपन इस साइड पे चलते हैं अपने राजस्थान के साइड, तो अपने पास आ जाएगा इंडियन डेजर्ट. ठीक है, उसके बाद आप बीच में देखोगे वी हैव डेक्कन प्लेटो. ठीक है, उसके बाद आप नीचे पानी की तरफ देखोगे, साउथ में जब अपन जा रहे हैं तो अपने पास क्या आ रहा है, एक तरफ है अपने पास वेस्टर्न घाट्स और एक तरफ है अपना ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, उस ट्रिक को ध्यान में रखना, कहीं जब भी आपको डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जस्ट हैव दिस थिंग. व्हाइट वाला एरिया राइट साइड होगा या ईस्ट साइड होगा, और जो ब्लैक साइड है वो वेस्ट या लेफ्ट साइड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईस्टर्न घाट्स ये रहा, वेस्टर्न घाट्स ये रहा. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. ये क्या हो गया, अभी अपन ने मोटे मोटे तौर पे लाइक मतलब केवल अपन ओवरलुक ले रहे हैं. अपने इस वाले पार्ट में अपन सिर्फ ओवरलुक लेंगे, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे उसमें अपन इन सबको थोड़ा सा और डिफाइन करते हुए रखेंगे. ठीक है, सो फॉर द टाइमिंग जस्ट हैव अ लुक एट द मैप एंड जस्ट ट्राई टू ग्रास्प द नेम एंड अंडरस्टैंड द वेरियस लैंडफॉर्म्स विच आर देयर ऑन द मीन्स विच आर देयर इन द कंट्री एट वेरियस प्लेसेस. ठीक है, ओके, नाउ मूविंग फर्दर. इसी के साथ ही अब देखो, अब पहले क्या था, अपन ने पहले बहुत मोटे मोटे तौर पे देखा. ठीक है, बड़े फॉर्म में देखा. अब यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, अपन ने इसको और डिफाइन कर दिया है. और कैसे डिफाइन कर दिया, अब जैसे ऊपर साइड पे आप देखो अपने पास आ रहे हैं, ये आ गए अपने पास हिमालयस, ईस्टर्न साइड के आ गए, फिर ये अपने पास आ गए वेस्टर्न हिमालयस. ठीक है, थोड़ा सा नीचे चलेंगे अपन तो अपने पास आ गया अपना राजस्थान की तरफ वाला डेजर्ट, है ना. किड्स बियर विथ मी बिकॉज आई एम न्यू टू यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक पेन एक्चुअली. ठीक है, तो ये रहा अपना डेजर्ट, मतलब रेत वाला स्थान. उसके बाद अपने पास है सेमी एरिड, मतलब रेतीला भी और नहीं भी, दोनों तरीके का हो जाएगा. इसमें देखो क्या क्या कवर हो रहा है, अपने पास गुजरात है थोड़ा सा, अपने पास मध्य प्रदेश आ रहा है ना. ये देखो ये रहा अपना गुजरात का एरिया आ गया, थोड़ा सा ये मध्य प्रदेश का एरिया आ गया, और ये रहा अपना राजस्थान. ठीक है, डेजर्ट में अपने पास राजस्थान है और गुजरात है. ठीक है, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई आ रही है, गैंजेटिक प्लेन्स. ठीक है, अब गैंजेटिक प्लेन्स क्या होते हैं, गैंजेटिक वर्ड हैज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गंगा, रिवर गंगा. ठीक है, इसको मैं जैसे आपको दूसरी स्लाइड में दिखाऊं, तो इफ यू कैन लोकेट द रिवर गंगा ओवर देयर, हाँ ये देखो ये रही रिवर गंगा. ठीक है, और यहीं पे ही अपन ने देखा था कि क्या था, गैंजेटिक प्लेन्स थे. ठीक है, सो नाउ इट इज क्लियर कि ये गैंजेटिक प्लेन्स कैसे है, ऐसे है. ठीक है, अब बीच में जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ रहा है, यहाँ पे आ गया अपना सेंट्रल हाईलैंड्स. ठीक है, इस लैंडफॉर्म को क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स. फिर नीचे की साइड चलेंगे तो ये वाला जो अपना ये आ गया, अपना ये आ गया डेक्कन प्लेटो.
ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटो, इसको इसके फीचर्स एंड ऑल अपन नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे. फॉर द टाइम बीइंग जस्ट नो अबाउट द एरिया, नो इट्स पोजिशन इन इंडिया एंड द नेम ऑफ द प्लेस. ठीक है, इसके बाद आई थिंक वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आर वेरी मच क्लियर. ठीक है, उसके बाद देखो वेस्टर्न घाट्स में अपने पास दो इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन दे रखी है, एक तो कॉनकॉन कोस्ट है, एक है अपने पास मालाबार कोस्ट. इसी के साथ ईस्टर्न घाट्स में बैंगलोर एंड ऑल उस साइड पे, कर्नाटका साइड पे अपने पास एक कोरोमंडल. ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास लक्षद्वीप आइलैंड्स भी होते हैं, वो भी इंडिया का ही पार्ट हो जाते हैं, और जो अपने पास अंडमान एंड निकोबार है वो भी इंडिया का ही पार्ट है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन को और क्या दे रखा है, यहाँ अगर अपन ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ चलते हैं, नाउ अगेन हेल्प मी विद द लुक विद दिस थिंग, वेयर इज माई, हेयर इज माई पॉइंटर. ओके सी, ये देखो ये रही अपनी वही हिमालयन की जो रेंज थी, है ना, आप ऊपर देख सकते हो ये पूरी हिमालयन की रेंज थी. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी चल रही है. और ये जो अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, इनको अपन सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं. अब इनको सेवन सिस्टर्स क्यों बोलते हैं, आई लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, सो दीज आर मेजर लैंड फॉर्म्स इन आर कंट्री. ठीक है, हिमालयाज हो गए, सबसे पहले ऊपर हिमालयाज आ गए, फिर आप नीचे साइड पे थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब एंड ऑल उस तरफ से आप जाओगे, वो अपना थोड़ा सा डेजर्ट एरिया आएगा, फिर बीच में अपना सेमी एरिड आ जाएगा, बीच में जहाँ मध्य प्रदेश है वो सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे अपना डेक्कन प्लेटो आता है, और सेंट्रल हाईलैंड्स के ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश की साइड पे जो अपना उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अपने पास गैंजेटिक प्लेन्स आते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग लाइक देयर वी हैव द रिवर गंगा, तो उसके जो आसपास का किनारा होता है दैट्स कॉल्ड एज गैंजेटिक प्लेन्स. फिर नीचे साइड पे जो अपने है ये अपने आ गए वेस्टर्न घाट्स, एंड यहाँ पे आ गए अपने ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, सो दीज आर मेजर लैंड फॉर्म्स. इसी के साथ मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ कि यहाँ पे अपने पास है बे ऑफ बंगाल. ठीक है, और यहाँ पे अपने पास है अरेबियन सी, और नीचे की साइड जाओ जाओगे ये है अपना जहाँ पे श्रीलंका एंड ऑल है, जहाँ अंडमान आइलैंड्स एंड ऑल है, हमारे पास है इंडियन ओशन. ठीक है, इसी के साथ ही मैं एक और चीज बताऊं, जो अपना ये एरिया है ये वाला, यहां से अगर आप देखोगे इसको ना पेनिनसुलर भी बोलते हैं, पेनिनसुला भी बोलते हैं. पेनिनसुला क्या होता है, वो जगह या वो लैंडफॉर्म जो कि तीन तरफ से पानी से हो. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पानी है, यहाँ पानी है और यहाँ पानी है, तो ये वाला जो एरिया जाता है ना इसको कहा जाता है पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, और इसी की तरह आइलैंड, आइलैंड और पेनिनसुला में क्या डिफरेंस होता है, पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ओनली ऑन थ्री साइड्स, वेयर इज आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज फ्रॉम ऑल दी साइड्स. ठीक है, ओके चलो आई थिंक वी आर डन ओवर हियर, वी गॉट द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री. ठीक है, मूविंग फर्दर मैंने यहाँ पे आपको गैंज, हमारी रिवर गंगा दिखाई दी, और इसी के साथ ही देखो अपने पास और कौन कौन सी रिवर्स हैं, है ना, हेयर वी हैव लाइक अरेबियन सी नीचे थाई से, अपनी एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है दैट इज इंडस, जो कि ऊपर से पाकिस्तान से ओरिजन होती हुई अपने हिमालय से होती हुई आती है, फिर अपने पास है ब्रह्मपुत्र, इनका इसका नाम चेंज होता जाता है आगे. ठीक है, फिर गंगा ये अपनी रही सही, इसी के साथ इसकी एक और ट्रिब्यूटरी आ जाती है जो कि है यमुना रिवर, फिर नीचे की साइड आप देखोगे तो वी हैव नर्मदा. ठीक है, एंड इसी के साथ यहीं पर ना एक तापी रिवर भी होती है. जनरली हमारी इंडियन कंट्री में नीचे साउथ साइड में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में ऑल द रिवर्स दे फ्लो फ्रॉम लाइक ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन जो नर्मदा और तापी है इट गोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, तो वो नर्मदा और तापी है, बाकी सारी जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कावेरी का तो अभी बहुत अच्छा ईशा फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोजेक्ट भी चल ही रहा है ना. इसी के साथ हमारे पास और क्या आ गई, एक और नदी अपने पास कौन सी है, वेस्ट बंगाल साइड पे वी हैव महानदी. ठीक है, सो दीज आर मेजर रिवर्स ऑफ आर कंट्री. ठीक है, मूविंग फर्दर, अच्छा अब अपन ने मेजर लैंडफॉर्म्स देख लिए, ठीक है उनको समझ लिया, उनके नाम देख लिए बेसिकली, उसके बाद अब अपन को क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन समझनी है इंडिया की, तो पहले अपन एक अर्थ का स्ट्रक्चर समझते हैं. ठीक है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है अपन को पता है, लाइक अर्थ इज राउंड इन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये अपना आ गया इक्वेटर जो कि जीरो डिग्रीज पे है,
इसके ऊपर चलेंगे तो वी हैव 23 डिग्रीज पे है अपने पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये एंटार्क्टिक सर्कल एंड हियर वी हैव साउथ पोल। और इसी के ही ऊपर अपन चलेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर्कटिक सर्कल एंड वी हैव नॉर्थ पोल। अब बताओ मैंने अपनी अपनी कंट्री की पोजीशन क्या थी, 8 degrees 4 minutes, ठीक है, ये थी, इसका मतलब इक्वेटर से नॉर्थ में, तो यहाँ पे कहीं अपनी कंट्री स्टार्ट होती है और वो कहाँ तक जाती है, 37 degrees 6 minutes, तो यहाँ इसका मतलब 23 से थोड़ा ऊपर और यहाँ कहीं पे होगी, ठीक है। और इसी के साथ आप यहाँ इस तरीके से मान लो, सो लाइक दिस इज द एरिया वेयर आर कंट्री लाइज ऑन अर्थ, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा, एक तो क्योंकि इक्वेटर के पास है जहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है ना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज आ रही है अपनी, यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज है और यहाँ पे जाते जाते सनरेज टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। और ऊपर जहाँ पे ये अपने जहाँ पे ये हिमालय सा जाते हैं, ये तो पूरा कोल्ड रीजन हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को एक बार समझना कि जो अपना अपनी कंट्री का जो साउथ होगा, वहाँ पे साउथ में आपने देखा होगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि वहाँ पे क्या है, अपने पास पानी भी है और इसी के साथ सनरेज भी डायरेक्ट है, तो फिर क्या होता है, वहाँ का ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट हो जाता है। समर्स भी होते हैं तो वहाँ पे समर्स नहीं भी होते हैं बिकॉज रेनफॉल इज कंटिन्यूसली देयर ड्यू टू वाटर्स एंड ड्यू टू सनलाइट एंड ऑल, ठीक है। इसी के साथ अब जब अपन ऊपर देखेंगे तो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस अकॉर्डिंगली वेरिएट करेंगी इस चीज की वजह से, ठीक है, क्योंकि अपनी जो कंट्री है उसका जो पोजिशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। अपन ट्रॉपिकल एरिया में भी आते हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर जाते जाते सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में भी आ जाते हैं, तो जो अपनी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो हर तरीके की रहेंगी, ठीक है। चलो अब अपन आगे देखते हैं, ओके वेरी गुड, हेयर वी हैव, नाउ यू नो द पोजीशन ऑफ आर कंट्री ऑन अर्थ, ठीक है। तो अब जैसे अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपन नीचे से स्टार्ट करते हैं या इसी के अकॉर्डिंगली रेड से स्टार्ट करते हैं। जैसे रेड में अपने पास क्या है, हाँ, हेयर इट इज राजस्थान एंड वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ गुजरात एंड हेयर वी हैव महाराष्ट्र, ठीक है। और देखो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है अपना, हॉट एंड ड्राई, ठीक है। हॉट एंड ड्राई कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपने को डायरेक्ट सनरेज मिल रही है, ठीक है, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट सनरेज मिल रही है। उसके बाद अपन चले कि वार्म और ह्यूमिड, अपना जो ये वाला एरिया है, इस कलर वाला जो एरिया है सारा, ये हो गया अपना वार्म एंड ह्यूमिड टाइप का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पानी भी है अपने पास और सनरेज भी आ रही है, ठीक है, सनरेज भी आ रही है, तो अपन को पता है इवेपोरेशन एंड रेनफॉल एंड ऑल वो सब चलता रहता है, सो इट्स लाइक गर्म भी है ह्यूमिड भी रहेगा, ह्यूमिड मतलब थोड़ा सा इवेपोरेशन रहेगा ही सही, मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स काइंड ऑफ रहते हैं वो, एयर में आपको हमेशा फील होगी जैसे चिपचिपाहट सी फील होती है ना, उस तरीके से आपने देखा होगा। आप अगर इस प्लेसेस में जाओगे लाइक साउथ एंड ऑल, वहाँ पे जनरली ए सीज एंड ऑल दे ओनली वर्क बिकॉज कूलर एंड ऑल वो उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो ये वाला एरिया है, जैसे मध्य प्रदेश में इस कलर में देखो, दिस इज लाइक कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब यहाँ सब तरीके का रहेगा, गर्मी के टाइम पे गर्मी, सर्दी के टाइम पे सर्दी, वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ओवर हेयर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स डिफरेंटली, जैसे जनरली क्या होता है, अगर मैं आपको राजस्थान का बताऊँ तो राजस्थान में आप देखोगे मार्च से लेकर के कम से कम जुलाई तक, जून तक स्पेशली, अभी तो क्लाइमेट काफ़ी वेरिएट कर रहा है बट जनरली जून के एंड तक काफ़ी गर्मी रहेगी, फिर उसके बाद मानसून आ जाएगा, फिर उसके बाद अपने विंटर्स आ जाएंगे। मानसून इट्स लाइक मे बी बाय द एंड ऑफ जुलाई इट गेट्स ओवर, देन वी हैव विंटर्स बाय लाइक मे बी सेप्टेम्बर एंड और समथिंग, ठीक है। तो एट डिफरेंट मंथ्स वी हैव डिफरेंट टाइम, वी हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स इन दिस एरिया वेयर वी हैव दिस कॉम्पोजिट क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब टेम्परेट क्या हो जाता है, जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अब देखो ये अपना कौन सा एरिया है, जनरली ये वाला एरिया है, ठीक है, और अपन कहीं नहीं देख पा रहे हैं, सो दिस इज द एरिया जहाँ पे अपनी जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटिवली, है ना। और देखो जो एक्सट्रीम ब्लू वाला जो एरिया है, दैट इज वॉट, दैट इज लाइक एक्सट्रीम कोल्ड एरिया, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस इन द कंट्री,
ठीक है, अपने पास हॉट ड्राई क्लाइमेट है, हॉट भी है ड्राई भी है, वहां पे बारिश मुश्किल से आती है। वार्म ह्यूमिड है, गर्म भी होगा बारिश भी पड़ेगी। कॉम्पोजिट मिला जुला हर तरीके का ही वहां पे क्लाइमेट रहेगा थ्रू आउट द ईयर एट डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, टेम्परेट में रेनफॉल थोड़ी कम हो जाएगी वहां पे, ठीक है, और कोल्ड अपना ब्लू वाला जो एरिया है मैप में वो अपना क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना कि एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशंस अपना जो फ्लोरा एंड फौना होता है वो भी इफेक्ट करता है। अब आप खुद ही सोचो, जब गर्मियां होती हैं तब हम वुलन्स पहनते हैं क्या? नहीं ना, एट दैट टाइम वी कांट वियर वुलन। इसी के तरीके से जब सर्दियां आती हैं एट दैट टाइम कैन वी जस्ट वियर स्लीवलेस कॉटन टॉप और समथिंग? कैन वी? नो, वी कैन नॉट, बिकॉज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वी नीड टू वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंगली टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, राइट? सो सिमिलरली द सेम रूल अप्लाइज टू फ्लोरा एंड फौना ऑल्सो। फ्लोरा मीन्स जो अपने फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स हो गए या अपने ट्रीज हो गए, श्रब्स एंड ऑल, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीनरी हो गई। इसी के साथ फौना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। अब जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर या फिर ऊपर साइड हिमालय साइड पे देखोगे तो वहां पे क्या होते हैं, जो एनिमल्स मिलेंगे या जो फौना मिलेंगे दे आर जनरली लाइक हैविंग मेनी हैविंग अ लॉट ऑफ फर्स एंड ऑल। जैसे माउंटेन याक अलग होता है, शीप अलग होती है, वो बहुत फर वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इतनी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, एक्सट्रीम कोल्ड को झेलने के लिए उन्हें अपने ऊपर कुछ चाहिए, ठीक है। तो नेचर उन्हें अकॉर्डिंगली वैसा ही बना देती है ताकि वो अपने क्लाइमेट में, अपनी जगह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें। एंड सिमिलर थिंग्स, और आई शुड से द सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाई टू प्लांट्स ऑल्सो। वहाँ के प्लांट्स कैसे होंगे, जैसे मैं आपको बताऊँ, जब सर्दी लगती है तो अपन ना सिकुड़ने लगते हैं, श्रिंक होते हैं, मतलब ऐसे ना बिल्कुल खुद को पैक करके फिर सो जाएंगे ऐसे अपने ब्लैंकेट्स के अंदर ना हो। तो उसी तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, वो भी अपने बहुत ना, एक तो वो हमेशा जमीन की तरफ मतलब हाइट में छोटे ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉनिफेरस वाले जो अपने ट्रीज हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो जनरली जमीन की तरफ रहेंगे, है ना। उसके बाद वो उनमें जैसे थॉर्न्स एंड ऑल वो सब ज्यादा रहेगा। सो उनका जो फ्लावर, उनका जो फ्लोरल पॉइंट है या उनके वो जो वेजिटेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डिपेंड करता है। अब आप देखो, जैसे डेजर्ट में कैक्टस उगेगा, ठीक है, लेकिन कैक्टस कहीं और नहीं उगता, उसको उसी टाइप की ही मिट्टी चाहिए, जो रेतीली मिट्टी है उसे वही मिट्टी चाहिए, है ना। सो इन अ वे, इन शॉर्ट वी कैन से कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस। तो अब हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस अपनी कंट्री की देख ली, है ना। अब अपन जल्दी से देखते हैं कि उसका वेजिटेशन कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो, इतने सारे नाम दे रखे, सोचो हमारी कंट्री कितनी डाइवर्स और कितनी वास्ट है एरिया में भी, एंड डाइवर्स लाइक वेराइटी में। देखो अपने पास कितने सारे लाइक 5 and 4, 9 टाइप्स का वेजिटेशन है, है ना। अब देखो कौन कौन सा है, कैन यू लोकेट द पॉइंटर? यस आई कैन, हियर इट इज। कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे जनरली कुछ नहीं होगा, हॉट डेजर्ट ये रहा, ठीक है, कैक्टस एंड ऑल उस तरीके से। अब अपन नीचे चलते हैं। सबसे पहले अपना ऊपर का एरिया हिमालयस का आ जाता है, तो देखो ये ब्लू कर रखा है लोगों ने, एंड ब्लू इज लाइक फॉर अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, ठीक है। ये क्या होते हैं, अल्पाइन और सब अल्पाइन, दीज फॉरेस्ट वेजिटेशन, इट इज बेसिकली फाउंड एट द प्लेसेस लाइक ऑन माउंटेन्स, है ना, जो कोल्ड माउंटेन्स होते हैं वहां पर उनको पाया जाता है। और क्योंकि यहाँ की एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं तो जनरली जो स्पीशी ऑफ फ्लावर्स की देखोगे वो 200 से ज़्यादा की नहीं होती, एंड इट्स लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद फिर अपन देखते हैं अपने कौन सा दे रखा है, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। ट्रॉपिकल कौन सा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपनी पास हो रही है, सो यहाँ से लेके अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, तो यहाँ पे जो अपना ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, ये जनरली इसी के ही आसपास आए, ये इसी में ही है ये, ठीक है। उसके बाद अपने पास कौन सा है, अल्पाइन एंड सब अल्पाइन, आई टोल्ड यू, जो हिमालय साइड में रहेगा। उसके बाद है हिमालयन में ड्राई टेम्परेट, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज होते हुए क्या हो गया, हिमालयाज में जहाँ पे थोड़ा सूखा या टेम्परेट वेजिटेशन रहेगा, टेम्परेट मतलब जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल रहती है, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो वैसे ही रहेंगे जिनको कम पानी की जरूरत है। उसके बाद वहाँ पे जो फौना होंगे, एनिमल्स होंगे, वो भी ऐसे होंगे भाई जो बहुत टाइम तक पानी को स्टोर कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर अपना सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस है। सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस अपना कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया, ये जो चल रहा है, ठीक है। कॉनिफेरस क्या होते हैं, वो वाले प्लांट्स या ट्रीज जो कोन शेप में होते हैं, ठीक है, ओके।
जैसे क्रिसमस ट्री वगैरह होता है। उसके बाद ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस, डेसीडियस कौन से फॉरेस्ट या वेजिटेशन होता है जिनकी की लीव्स ब्रॉड होती हैं और वो सीजनल शेड करते रहते हैं, ठीक है। तो अब वो कहाँ पे है अपना, वो है अपना इस साइड पे गैंजेटिक प्लेन्स के आसपास, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, जैसे सुंदरबन साइड पे इधर आ जाएगा, सॉरी हियर इट इज, ये जो है ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ट्रॉपिकल क्यों, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से निकल रहा है, और वेट मतलब गीरा, और एवरग्रीन हमेशा सदाबहार टाइप, यहीं पे अपने सुंदरबंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, मतलब उससे वेट से थोड़ा सा कम कर लो, है ना, मतलब उनको पानी थोड़ा कम चाहिए होगा एंड ऑल इस तरीके से, ठीक है। तो वो अपने कहाँ पे हो गए, वो अपने हो गए यहाँ पे इस एरिया में, ये रहा देखो, दिस इज द कलर, ठीक है, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। फिर अपना ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस कौन सा फॉरेस्ट हो गया, ओके हियर इट इज, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस, यहाँ पे जनरली ड्राई फॉरेस्ट एंड ऑल उस तरीके के फ्लोरा एंड फौना या नेचुरल वेजिटेशन इस तरीके का यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो वी गॉट इट लाइक फॉर, एक बार इनके नाम अपन फिर से रीड कर लेते हैं, कौन कौन से हैं, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, देन एल्पाइन एंड सब एल्पाइन, देन हिमालयन ड्राई टेम्परेट, देन हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट, देन सब ट्रॉपिकल कॉनिफेरस, देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस, देन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, देन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, देन ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस, ठीक है। 9 टाइप्स की वेजिटेशन हो गई। यू डोंट नीड टू वरी कि इतना टफ कैसे याद होगा, एंड ऑल सब हो जाएगा, ठीक है। राइट नाउ मैंने क्या किया, यू जस्ट हैव अ लुक एट द मैप, है ना, और इसको आपने देख लिया कि कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तो ये आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, ओके। सो दिस इज द थिंग, ओके। नाउ आर मैम इज सेइंग टू गो बैक टू स्लाइड नंबर 3, लेट मी शो यू स्लाइड नंबर 3, जहां पर अपने हमने क्या देखा था कि हम इस चैप्टर के बाद क्या क्या क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो देखते हैं क्या हम कर पा रहे हैं। इंडिया की ज्योग्राफिकल फीचर्स हमें पता है, ऑन अर्थ हमने पोजीशन देख ली, ठीक है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सी लॉन्गिट्यूड से आता है हमने ये देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में डिवाइड करती है हमने ये देख लिया, है ना। उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म्स देख लिए, अपने पास हिमालयाज हैं, उसके बाद अपने पास डेजर्ट एरिया है, फिर बीच में डेकन प्लेटो सेंट्रल हाईलैंड्स भी हैं, फिर अपने पास गैंजेटिक प्लेन्स हैं, फिर नीचे के साइड पे वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशंस अपने देख लें कि बिकॉज अपने हमारी कंट्री क्योंकि नीचे इक्वेटर के भी पास है, बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है, तो वी हैव वेरीड क्लाइमेट कंडीशंस एज पर द पोजीशन ऑफ वेरियस स्टेट्स, ठीक है। तो कहीं पर जैसे अपने पास हॉट एंड ड्राई है, तो कहीं पे अपने पास वार्म ह्यूमिड है, कहीं पे टेम्परेट है, कहीं पे कॉम्पोजिट है, कहीं पे कोल्ड है, ठीक है। इसी के बाद फिर हमने ये भी देखा था कि वेजिटेशन कितनी तरीके की, तो उसमें भी हमारे पास 9 टाइप्स की थी। 9 टाइप्स में कौन कौन सी थी, लाइक ट्रॉपिकल एरियाज की थी, एल्पाइन सब एल्पाइन हो गई, फिर कॉनिफेरस थी, डेसीडियस थी, इन्हीं के टाइप्स थे अपने पास, ठीक है। इन्हीं को ही अपन कर रहे थे ना, कि लाइक जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, फिर इसी में ही अपने पास आ गई थी लाइक ट्रॉपिकल वेट कॉनिफेरस, है ना, तो इन्हीं का ही टाइप था, बट वी हैव वेरीड फॉर्म्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो। इसके बाद हमने नेबरिंग कंट्रीज देख ली कि वी हैव लाइक 7 नेबरिंग कंट्रीज लैंड लॉक में, है ना, और अपने पास पानी की तरफ से 3 है, वो कौन कौन सी है, श्रीलंका, मालदीव एंड इंडोनेशिया। फिर हमने हर जो कंट्री के साथ जो रिस्पेक्टिव बॉर्डर जिस स्टेट के साथ वो शेयर कर रहा है अपने, हमने उनके नाम भी देख लिए, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक दिस इज ऑल वी हैव कवर्ड, है ना, सो वी आर एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, है ना, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मैं आ जाती हूँ नीचे अपने एरो के पास, ओके, एंड हियर आई एम आस्किंग इज टू एंड द शो, एंड अब देखते हैं कि क्या बचा है। आई नो यू हैव ऑलरेडी गेस्ड कि इसके बाद हमें क्या करना है, राइट, इसके बाद हमें करना है एक बड़ा वाला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप वी विल बी मीटिंग सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखो, इंडिया के मैप को अच्छे से समझो, ठीक है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इसी के बाद इसका कभी लाइव सेशन, इसकी जब मेंटी एंड ऑल के रिविजन सेशन के टाइम पे जब हम आएंगे, जब हम साथ में होंगे,
तब भी आप इसके डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है? और इसके बाद मिलते हैं जल्दी से, ठीक है? तब तक के लिए आई नो यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल अन अकेडमी क्लास 6, बट अपने फ्रेंड्स को, कजन्स को भी बोलो कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको एक और न्यूज बता दूं कि हम लोग बहुत जल्दी अपने प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ लॉन्च होने वाले हैं, जहां पर हम वन ऑन वन बात भी कर पाएंगे, ठीक है? जैसे अभी तो लाइव सेशन में हम चैट के थ्रू बात करते हैं, वहां पे अपन वन ऑन वन बात भी कर पाएंगे, ठीक है? और हम वहां पर आप हम सभी एजुकेटर्स को, जिससे आप पढ़ना चाहते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और इसी के साथ आपने देख ही लिया होगा कि प्रोपेल की सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आप उसके डेट्स और टाइम्स कंफर्म करो सो दैट वी कैन रिवाइज योर सब्जेक्ट वेरी नाइसली एंड थॉरली, ठीक है? विथ अ लॉट ऑफ मेंटी क्विजेस, ओके? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड हेयर आई से सायोनारा एंड बाय बाय।